अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज हम फेसबुक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं ठीक है उनका हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो उनकी ऑप्टिमाइजेशंस हैं, कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको आपको रखना चाहिए और कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। हमने जो फेसबुक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ये इस कोर्स की सेकंड वीडियो है। हमने पहली वीडियो इससे पहले उस वीडियो के अंदर देखा था फेसबुक अकाउंट बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ फेसबुक अकाउंट। उसका लिंक, अगर अब वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको प्रेस करके वो वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन सब का एक कोर्स बना रहा हूँ, जिनकी इंशाल्लाह तमाम वीडियोस आप तक पहुँचेंगी, और ये तमाम स्किल्स सीखकर जो है वो आप एज ए फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने फेसबुक अकाउंट बना लिया था, हमने अपनी प्रोफाइल भी सेट कर ली थी, कवर भी सेट कर लिया ठीक है। ये मेन इंट्रो मैंने आपको इसका बता दिया था। उसके अलावा अब हम इसकी मेन सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल को ऑन करना है ठीक है। यहाँ से इसकी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे आप, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स ओपन कर लें। ये आपकी जो फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक आपकी प्रोफाइल है, इसकी तमाम सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जर्नल में जाके देखेंगे तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का नेम आ रहा होगा, यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल का नेम जो है वो एडिट कर सकते हैं ठीक है। अपना सर नेम भी चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, अदर नेम, ऐड अ नेम ठीक है। यहाँ से आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कर सकते हैं। आगे यूज़र नेम के बारे में आपको बता दूँ, यूज़र नेम क्या होता है। यूज़र नेम अगर आप सेट कर लेते हैं अपनी आईडी का, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी आईडी अपनी लॉगिन करेंगे तो अपना यूज़र नेम डाल के और अपना पासवर्ड डाल के भी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। ये यूज़र नेम कहाँ पे शो होता है, जो facebook.com के आगे स्लैश होती है उसके आगे जो आपकी आईडी का नंबर शो हो रहा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं अपनी मेन प्रोफाइल में जाता हूँ, देखें facebook.com ठीक है। आगे ये देखें आईडी का ये एक आगे स्लैश डाल के ये प्रोफाइल की आईडी है ठीक है। ये भी यूज़र नेम यहाँ पे सेट नहीं हुआ। अब जब अपना यूज़र नेम यहाँ पे सेट कर देंगे तो जब facebook.com आगे स्लैश डाल के जो भी आपने यूज़र नेम यहाँ पे सेट किया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और यूज़र नेम आपने जब चेंज करना है तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ईमेल वेरीफाई होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है आपका मोबाइल नंबर भी बीच में वेरीफाई होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो है ना मोबाइल नंबर मैं अपना यूज़र नेम जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकता। वेरीफाई विया मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे आप फ़ोन से अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे देन आप जो है ना इस जगह पे अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं ठीक है। आगे कॉन्टैक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी ईमेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने अगर आपकी एक या दो ईमेल्स हैं ठीक है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। ये आपकी प्राइमरी ईमेल होती है, जब आपने अकाउंट बनाया था तो ये हमने इस जगह पर ईमेल डाली थी ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऐड अनदर ईमेल पर जाके आप अपनी कोई भी दूसरी ईमेल भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, आगे ये मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स होती हैं। बेसिकली फेसबुक आपको कहता है चूज़ समवन टू लुक आफ्टर योर अकाउंट आफ्टर यू पास अवे, कि अगर आप इनके इस दुनिया के अंदर नहीं रहते तो उसके बाद आपके अकाउंट की असेस जो है वो कौन बंदा कर सकता है ठीक है। यहाँ से आप अपने फ्रेंड, अगर आपके वो फ्रेंड्स में ऐड है, यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ से आप उसको ऐड कर देंगे। ये है कि इनकेस अगर आप नहीं रहते तो ये उसको आपकी जो है वो असेस उसके अकाउंट में मिल जाएगी उसको। अच्छा, आगे ये आइडेंटिटी कन्फर्मेशन है। ये बेसिकली जब आप आगे एड्स रन करेंगे तो उन एड्स के अंदर आपको जो है ना अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो वेरीफाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अगर कोई आप सोशल इश्यूज़ पे या इलेक्शंस पे या पॉलिटिक्स पे अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना आपको यहाँ से अपनी आइडेंटिटी कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हम ये अपनी सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स पे आ जाते हैं। यहाँ से हम अपने तमाम अपने फेसबुक की जो सिक्योरिटी है और लॉगिन्स की इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ से मिल जाती है। अगर ये रिकमेंडेड हमें करता है कि चेक योर इम्पोर्टेड सेटिंग ठीक है। यहाँ से आप इसको करके ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ही बताता रहेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी है, उसको सिक्योरिटी के लिए आप मज़ीद कैसे सिक्योर कर सकते हैं ठीक है। हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये आगे आपको बता रहा है कि आप अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, टू स्टेप वेरीफिकेशन जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको जो है वो 5 डिजिट्स का कोड आपके SMS जो है आपके मोबाइल पे आएगा
तो जब तक आप वो ऐड नहीं करेंगे तो कोई भी बंदा आपकी फेसबुक अकाउंट जो है वो ऑन नहीं कर सकता। तो ये सजेशन में होता है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना उसको लाजमी ऑन किया करें। आगे लॉगिन अलर्ट्स है, इनको भी ऑन कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वो कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमने ऑलरेडी अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो यहाँ से चूज़ किया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। आगे से वो कहेगा कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है यहाँ से ऑन करें, यहाँ से गेट स्टार्टेड करके आप अपने मोबाइल का नंबर डाल के जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपको कोड जाएगा, और वो कोड के ज़रिए आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि आपकी फेसबुक अगर कोई बंदा ऑन करता है या फिर कोई अननोटिफाइड लॉगिन्स होते हैं तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन फेसबुक नोटिफिकेशंस में भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप ईमेल में सेंड करना चाहते हैं तो वो ईमेल में भी आ जाएगा। इन दोनों को आप यहाँ से ऑन कर लें, आगे इसको नेक्स्ट कर देके डन कर देते हैं। ठीक है, यू आर ऑल सेट। तो यहाँ से हम दोबारा अपनी सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है जी, हमने सिक्योरिटी एंड लॉगिन्स में ये चीज़ें हमने देखी थी जो उसने सजेस्ट किया था, यहाँ से देखेंगे, टिक है। अच्छा, आगे ये कहता है कि वेयर यू लॉग इन, के जहाँ जहाँ आपकी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन होगी उस जगह पे इसकी ना लिस्ट बनती हुई आ जाएगी। अगर आपने मोबाइल में भी ऑन की होगी तो आपके मोबाइल का नाम भी आ जाएगा, अगर आपने किसी और ब्राउज़र में भी ऑन की होगी तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आपकी फेसबुक की आईडी लॉगिन होगी वो तमाम लिस्ट इस जगह पर बनती जाएगी। ठीक है, आगे लॉगिन्स के अंदर देखें तो ये चेंज पासवर्ड है, इसके बारे में हमने देख लिया। सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली होता है कि जब आप अपनी आईडी लॉग आउट करते हैं उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो इसमें आपको दोबारा से ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी सेव हुआ होता है तो उस पर आप वन क्लिक पे अपनी प्रोफाइल जो है दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। आगे ये टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा, आगे है सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ये चीज़ भी हमने ऊपर से ऑन कर दी थी जिसके अंदर हमने अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन और अपना वो नोटिफाई वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट की थी। अच्छा, आगे एडवांस के अंदर है इनक्रप्टेड नोटिफिकेशन ईमेल, सी रिसेंट ईमेल्स फ्रॉम फेसबुक। ये जो फेसबुक आपको, आपने जो ईमेल आईडी डाली हुई है उसके ऊपर अगर आपको कोई नोटिफिकेशन डालेगा तो ये वहाँ से आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे। अच्छा, जैसे ही हम फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, असेस योर इन्फॉर्मेशन, व्यू योर इन्फॉर्मेशन कैटेगरी, इसके अंदर आपकी तमाम अकाउंट की जो है ना वो डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम तब पढ़ेंगे जब हम अपना ऐड सेटअप करेंगे, तो इसके अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन, इंशाल्लाह हम ये वाला पोर्शन तब पढ़ेंगे। आगे ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, के आपकी जो भी अंदर वीडियोज़, आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी ना उनको आप प्ले स्टोर के अंदर, अपनी फ़ोटोज़ के अंदर या गूगल ड्राइव के अंदर जो है ना यहाँ से सेव कर सकते हैं। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, ये भी बेसिकली यही सर्विस है कि आपकी जो भी अंदर वीडियोज़, आपकी जो भी आपका पर्सनल डाटा है ना उनको आप एज ए पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपकी एक्टिविटी लॉग है, एक्टिविटी लॉग में बेसिकली आपकी वो चीज़ें होती हैं कि जो जो आपने लोगों के कमेंट किए हैं, कोई आपने वीडियो देखी है, ठीक है, जो भी आपकी एक हिस्ट्री होगी ना, जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी जो फेसबुक पे, वो यहाँ से आपको उनको मैनेज कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ये बेसिकली आप जो भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो विज़िट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो है आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज योर इन्फॉर्मेशन भी वही चीज़ है। आगे ये डीएक्टिवेशन एंड डिलीट, ये बेसिकली अगर आपने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, ठीक है, या टेम्परेरी या परमानेंट जो है अगर आपने अपना अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है अपना अकाउंट आप डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं प्राइवेसी की तरफ। तो जैसे ही हम प्राइवेसी पे आते हैं, आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये लिखा हुआ है योर एक्टिविटी, हाउ पीपल फाइंड यू, हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी एक तरह की समरी जो है वो ये प्राइवेसी शॉर्टकट्स के अंदर इन्होंने दी हुई है। तो हम ये प्राइवेसी शॉर्टकट्स को देखते हैं। सबसे पहले इसके जो पहला लिंक है उसे ऑन करते हैं, चेक अ फ्यू इंपॉर्टेंट सेटिंग। इसके अंदर इन्होंने ना अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं, तो जो भी आपकी प्राइवेसी चेकअप की जो मेन सेटिंग्स हैं ना उनकी इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। ये पहली ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, इसमें आप उन चीज़ों पे प्राइवेसी लगा सकते हैं कि जैसे आपने अपनी कोई प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई आप चीज़ शेयर कर रहे हैं, इस पर क्लिक करता हूँ, हु कैन सी व्हाट यू शेयर, देखें
इसके अंदर ये आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के बारे में जो पोस्ट और स्टोरीज़ आप शेयर करेंगे, ठीक है, इसके अलावा जो आपने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, इन सब की जो प्राइवेसी है कि ये चीज़ें कौन देख सके, ये सिर्फ आप देख सकें या आपकी जो ऑडियंस है वो भी देख सके। जैसे पहले देखें ईमेल एड्रेस आ गया, ये जो आपकी ईमेल एड्रेस है ये आप कहते हैं कि ये सिर्फ मैं ही देख सकूँ और जो है ना मेरी प्रोफाइल के ऊपर कोई ईमेल एड्रेस को ना देख सके, तो इसे आप ओनली मी करके डन कर देंगे। जैसे फिर दूसरा सेकेंड आ गया डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है, जैसे ये 25 मार्च मैंने लिखा है ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे फ्रेंड्स देख सकें, फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स देख सकें, ठीक है, या पब्लिक के लिए या कोई भी मेरी ये जो है ना मतलब प्राइवेसी देख सके, तो मैं कहता हूँ ये फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है या ओनली फ्रेंड्स कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आगे ये हमारा ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारा सन आ गया, इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये मेरे फ्रेंड्स देख सकें। ठीक है, आगे आ गया फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, कि जो लोग आपके फ्रेंड्स के अंदर ऐड हैं और जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर नज़र आएं, कि जो भी ऑडियंस होगी कोई पब्लिक होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, अगर वो आपकी प्रोफाइल के अंदर विज़िट करते हैं तो उनको आपकी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ नज़र आए कि आपके फ्रेंड्स के अंदर कौन कौन से लोग ऐड हैं, आपको फॉलोइंग में आपको कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये पब्लिक के लिए, कोई मेरी प्राइवेसी इस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि ये पब्लिक ना देखे या सिर्फ फ्रेंड्स तक ही है, इसको आप अपनी ऑप्शंस के मुताबिक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने फ्रेंड्स पे कर दिया, देखे ना, हु कैन सी फ्रेंड्स लिस्ट इन योर प्रोफाइल, हु कैन सी पीपल पेजेस लिस्ट यू फॉलो, कि जो आपने लोगों को फॉलो किया हुआ है, जो आपने पेजेस फॉलो किए हुए हैं, जो आपने लिस्ट जो है फॉलो की हुई है वो कौन देख सके, तो ये हमने सबको फ्रेंड्स पे कर दिया। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आगे ये फीचर्स पोस्ट होती हैं, फीचर पोस्ट में क्या होती है कि जो भी आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, कोई पोस्ट लिख के बेसिकली जो आप मतलब टाइप करके कोई भी पोस्ट आप उसको करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो वो उस पोस्ट के बारे में पूछ रहा है कि जो वो पोस्ट है आपकी वो किन किन लोगों तक उसकी एसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जाहिर है जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रेंड्स हैं ना ये उनके लिए ही हम जो है ये पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, इस जगह पर आप पोस्ट अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसी तरह स्टोरीज़ हैं कि जो आप अपनी स्टोरीज़ अपलोड करेंगे, कोई भी आपकी तस्वीर होगी, कोई आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो कौन लोग देख सकें, तो ये भी हम इसको कहते हैं कि ये भी फ्रेंड्स ही रहने दें। अच्छा, आगे आती है ये लिमिट पास पोस्ट, ये बेसिकली होती है कि जो लोग आपको टैग करते हैं, कोई भी वीडियो कोई पोस्ट उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे किया, आगे से वो आपकी आपके नाम को मेंशन कर देते हैं और आपको वो पोस्ट जो है वो एक टैग कर देते हैं, तो वो टैग के बारे में है कि ये लिमिट आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं आ रही इसकी। अच्छा, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आगे आ गया ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के अंदर बेसिकली आप वो ब्लॉक अपनी किसी भी प्रोफाइल को यहाँ पे आके ब्लॉक कर सकते हैं, कि कोई यूज़र ऐसा है कि जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, आप उस पर फेसबुक पे आप उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं या अपनी प्रोफाइल उस तक नहीं लेकर जाना चाह रहे, तो जो है ना आप उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से देखें टाइप आ नेम, कोई भी आपकी फ्रेंड्स में ऐड होगा या किसी को भी आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं उसका आप ईमेल जो है यूज़र नाम यूज़र नेम भी जो है उसका यहाँ पर ऐड करके उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। देखें यू ऑल आर सेट, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं बेसिक जो फेसबुक हमें रिकमेंड करता है कि आप प्राइवेसी से रिलेटेड अपनी चीज़ों को सेट करें, वो ये बेसिक तीन चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरे पे ऑप्शन है हाउ कीप योर अकाउंट सिक्योर, ये बेसिकली हमने पीछे वो उसमें अकाउंट रिव्यू के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन और ये सारा पासवर्ड और जो है लॉगिन अलर्ट्स हमने किए थे, ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया हुआ है। हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, अच्छा ये बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हों जो आपको फेसबुक के ऊपर फाइंड कर सकें, मसलन कि अगर कोई पब्लिक में से बंदा है, जैसे आपकी मेरा नाम हमजा अलवी, अगर मुझे कोई फेसबुक पे सर्च करता है, ठीक है, तो वो मैं अपना नाम मेरा लिखेगा तो मेरी उसके पास प्रोफाइल शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं, कोई आपको ईमेल के ज़रिए या मोबाइल के नंबर से सर्च करे तो उसमें आपकी आईडी शो अगले बंदे के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें वो चीज़ आप इसको जो है ना सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यू आर इन कंट्रोल ऑफ हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, कि कौन से लोग ऐसे हों जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे एवरीवन, कोई भी बंदा जो है ना वो फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, तो मैं इसको यहाँ से एवरीवन ही रहने देता हूँ, अगर मैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करना चाहूँ तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये भी आपकी दूसरी सिक्योरिटी की ही ऑप्शन है कि जिसके अंदर वो कहता है चूज़ हु कैन लुक यू अप
योर फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस, कि आपका जो आपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वो डाल के आपको कौन लोग सर्च कर सकें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा मोबाइल नंबर मैंने डाला हुआ है उसके ज़रिए मुझे कोई भी सर्च कर सकता है, तो यहाँ पे एवरी वन रहने दे देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं कह देता हूँ यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ वही मुझे सर्च कर सकें, या मैं इसको ओनली में कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन सारी आपके हाथ में, आपने अपनी प्रोफाइल अपनी प्राइवेसी के हिसाब से ये सारी सेटिंग्स करनी है। अच्छा जी, आगे आ गया सर्च इंजन। सर्च इंजन में बेसिकली जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जो फेसबुक से आउटसाइड मतलब फेसबुक के अलावा जो सर्च इंजन है वहाँ से अगर आप अपनी प्रोफाइल लिंक कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी वहाँ पे सर्च करेगा तो आपकी जो है आईडी इस जगह पे शो हो जाएगी। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। देखें, यू ऑल आर सेट, ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये भी हमारी डन हो गई। अच्छा, आगे हम बात करते हैं योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक। ठीक है, ये बेसिकली आप जो वेबसाइट्स और आप जो ऐप्स यूज़ करते हैं उनके थ्रू आप फेसबुक की जो एसेस लेते हैं, ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। ये जो चीज़ें मैं आपको बीच में स्किप कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह जब हम आहिस्ता आहिस्ता कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें जब यूज़ होंगी तो इंशाल्लाह इनकी बारी तब आएगी। अच्छा, फिर आगे आ गया योर एड प्रेफरेंस ऑन फेसबुक। ये भी बेसिकली ये वाली सेटिंग्स और ये वाली सेटिंग्स ये हमारी तब यूज़ होंगी जब हम आगे अगले सेशंस के अंदर इंशाल्लाह एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बिज़नेस अकाउंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सोशल इंट्रैक्शंस आपने करने हैं। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल और ये फेसबुक बेसिकली एड्स के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, ये हम वहाँ उन स्टेप्स के अंदर जो है ना ये चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ से बैक करते हैं हम। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना नीचे, ये वही है जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि ये समरी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। योर एक्टिविटी, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हु कैन सी पीपल पेजेस यू टैगेज, ये भी हमने ऊपर वाले सेशन में पढ़ लिया था। तो ये बेसिकली ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जो है ना एक तरह की समरी दी हुई है आपकी प्राइवेसी टूल्स की। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। आगे डिस्कस करते हैं प्रोफाइल एंड टैगिंग के बारे में। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करते हैं इसको, इसमें प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। ये बेसिकली आपकी ये भी एक प्राइवेसी का आपका जो है टूल है कि कौन से बंदे ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं कि जो आपकी ही प्रोफाइल पे आपको जो है वो विश कर सकें या कोई भी पोस्ट कर सकें। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर किसी की बर्थडे आती है तो वो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन दे देता है वो कि आप उसको जो विश करें, तो आप उसकी एक तो आप मैसेंजर के अंदर उसको विश कर सकते हैं, दूसरा आप उसकी प्रोफाइल पे उसको विश कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में विश करने का ये तरीका है कि अगर उसने इस तरह की प्राइवेसी रखी हुई है कि उसकी प्रोफाइल पे कोई उसका दोस्त या पब्लिक देख सके, तो फिर वो एक तरह की तमाम ऑडियंस के लिए आपकी पोस्ट हो जाती है। ठीक है, ये फेसबुक प्रोफाइल का यही है कि हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, के कौन आपकी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर सके, कोई रिटन पोस्ट कर सके, कोई पिक्चर पोस्ट कर सके, कोई वीडियो पोस्ट कर सके, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फ्रेंड्स पे रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स रख लें, अगर ओनली मी करना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई भी जो है ना मेरी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट ना कर सके, तो वो यहाँ से आप ओनली मी भी कर सकते हैं। हु कैन सी वट अदर पोस्ट ऑन योर टाइम लाइन, ये बेसिकली जो लोग आपको टैग करते हैं, ठीक है, ये वो पोस्ट हैं कि वो जो आपको लोग टैग करेंगे वो ये सेटिंग्स जो हैं उनके मुताबिक आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाह रहे हैं या आप उसको ओनली मी करना चाह रहे हैं, या कि आप कहते हैं कि ये तमाम एवरीवन, ये कोई बंदा भी जो है हमारी सेटिंग्स देख सकता है। ठीक है, जो हमें लोगों ने टैगिंग की है उसको आप अलाउ करते हैं कि ये एवरीवन जो है ना हमारी टिग एंड टैगिंग जो है ना वो देख सके। अच्छा, आगे है हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स ऑफ योर प्रोफाइल। अच्छा, ये बेसिकली ना आप कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जो आप चाहते हैं कि इस जगह पे मैं ऐड कर दूं, कि इन केस अगर कोई मेरी किसी पिक्चर पे या किसी वीडियो पे कोई बंदा इस तरह का कमेंट करने लगे जो मुझे लगता है कि यार ये कमेंट्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि हम पाकिस्तानी लोग हैं बेशुमार, अगर हमें किसी की वीडियो पसंद नहीं आती तो हम उसको कोई बुरा भला या गालियाँ निकालने लग जाते हैं। तो वो आप ना इस जगह पर अगर वो चीज़ पहले से ही ऐड कर देंगे, तो इन केस अगर वो वर्ड कोई ऑडियंस में से कोई भी बंदा वो वर्ड्स इस्तेमाल करता है ना, तो उसका मॉडरेशन अलर्ट आपके पास आ जाएगा। वो जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपका जो अगले बंदे का कमेंट होगा या कोई भी इस तरह का रिव्यू होगा जो है ना वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो नहीं होगा। तो यहाँ से आप कोई भी लिमिट है एक 1000 की, कोई भी आप वर्ड जो है इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके आप उसको यहाँ से सेव कर देंगे तो यहाँ से वो सेव हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट वट यू आर टैग्ड इन योर टाइम लाइन योर प्रोफाइल। अच्छा, ये बेसिकली है कि कोई भी बंदा आपको कोई चीज़ टैग करता है तो वो टैग हुई हुई चीज़ आप
आपके अलावा वो कौन कौन देख सके, आपके फ्रेंड्स देख सकें ठीक है, या सिर्फ आप देख सकें, या आप एवरीवन दिखाना चाह रहे हैं, या ये देखें फ्रेंड्स एक्सपेक्ट के आप किसी एक मखसूस बंदों को छोड़ के बाकी सारे फ्रेंड्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आप अपनी प्राइवेसी के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। When you are tagged in a post, who do you want to add the audience of the post if they can't already see it? अच्छा, इसके अंदर जो है आप किसी को अलाउ करते हैं कि अगर आपको किसी ने किसी पिक्चर के अंदर टैग किया हुआ है तो आप उसका नाम भी आगे मेंशन कर सकें और उस टैग को भी आगे किसी को टैग कर सकें। अच्छा, रिव्यूइंग की हम बात करते हैं। रिव्यूइंग पोस्ट डैट यू आर टैग्ड इन बिफोर पोस्ट अपेयर ऑन योर प्रोफाइल। अच्छा, ये बेसिकली होती है कि अगर आपको कोई बंदा किसी कोई चीज़ आपको अगर टैग करता है तो वो उससे पहले आपको कन्फर्मेशन आएगी, आपको एक रिव्यू आएगा कि भाई ये बंदा आपकी टाइमलाइन के ऊपर ठीक है ये पोस्ट करने लगा है तो क्या आप इसको अलाउ करते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर टैग कर ले। ठीक है, अगर आपने इसको ऑन रखा होगा तो इससे पहले आपको हमेशा रिव्यू आएगा, अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो वो रिव्यू हुए आए बगैर ही आपकी टाइमलाइन पे जो है ना वो पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे है रिव्यू टैग्स डैट पीपल ऐड योर पोस्ट बिफोर यू टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ये कि आपको कोई भी बंदा जब टैग करने लगेगा ना उसी वक्त ही वो आपको उस बंदे के पास जो है ना वो रिव्यू के लिए चला जाएगा कि ये बंदा आपको इजाज़त देगा तो आप इसको जो है वो टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस को आप ओके कर दें। अच्छा, यहाँ से आप व्यू एज कर सकते हैं कि आपका जो मतलब व्यू एज जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी प्रोफाइल को किस तरह से देख सकती है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने जब रिव्यू एज किया तो मतलब यहाँ पे ऐड फ्रेंड्स आ रहा होगा, इस तरह मैसेज आ रहा होगा, यहाँ पे सारा आपका इंट्रो डला होगा। तो ये बेसिकली जो है कि आपकी ऑडियंस आपको किस तरीके से देख सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक पोस्ट की। तो जैसे हम पब्लिक पोस्ट पे आते हैं, हु कैन फॉलो मी, कि आपको कौन लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ही ओनली आपको फॉलो कर सकते हैं या आपकी पब्लिक आपको फॉलो कर सकती है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर है पब्लिक पोस्ट कमेंट्स। ये बेसिकली कि आपने कोई भी पोस्ट फेसबुक पे की है तो उस पे जो कमेंट्स हैं वो आप परमिशन किसको देते हैं कि वो कमेंट सिर्फ जो है आपकी पब्लिक कर सके या फ्रेंड्स कर सकें या सिर्फ आपके फ्रेंड्स कर सकें, तो ये आप अपनी मर्ज़ी और अपनी सिक्योरिटी जो अपनी प्राइवेसी है उसके मुताबिक जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन ये है कि कोई अगर ऐसा बंदा जो आपकी फ्रेंड्स के अंदर ऑलरेडी नहीं मौजूद, जो एक मतलब पब्लिक का बंदा है ठीक है, वो भी अगर आपको कोई फॉलो करता है या आपको आपके किसी पे कोई पब्लिक पोस्ट पे कमेंट करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पब्लिक पे रख लें या अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जो भी करना आपने। पब्लिक प्रोफाइल इन्फो, इसके अंदर बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं कि जो भी आपकी प्रोफाइल वीडियोस हैं, प्रोफाइल कवर है ठीक है, आपकी जो भी आपके कमेंट्स हैं आप लोगों को करते हैं वो आपकी कौन लोग देख सकें, फ्रेंड्स देख सकें या पब्लिक देख सकें। अच्छा, फिर आता है ऑफ फेसबुक प्रीव्यू। ये बेसिकली जो भी आपने कमेंट आपकी जो ओरिजिनल पोस्ट हैं, आपकी जो आउटसाइड फेसबुक प्रीव्यूज़ हैं, इंक्लूड यूज़र नेम है, आपकी जो भी इमेजेस हैं ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ अपलोड करने लगेंगे तो उसका भी आपको एक प्रीव्यू देगा, आपको रिव्यू देगा कि वाकई आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं या अपलोड वीडियो करना चाह रहे हैं या इस चीज़ को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो उसका एक आपको प्रीव्यू दे देगा। इसको भी आप ऑन कर दें, आपकी मर्ज़ी है। कमेंट रैंकिंग है, आगे यूज़र नेम है, ये चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे हम ब्लॉकिंग आते हैं, ये ब्लॉकिंग भी हमने आगे डिस्कस कर लिया हुआ था। यहाँ से आप किसी के मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं ठीक है, कोई आपको किसी चीज़ के लिए, कोई पेज के लिए, फेसबुक पेज के लिए या किसी ग्रुप के लिए कोई आपको बार बार जो है वो इनवाइट करता है, यहाँ से आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। कोई आपको इवेंट के लिए जो है वो कर बुला रहा है या इनवाइट कर रहा है तो आप उसको यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। किसी ऐप को या किसी पेज को, उसकी सारी ये ब्लॉकिंग की जो है इस जगह पे सेटिंग्स हैं। आगे ये लोकेशन है, ये आपकी लैंग्वेज है कि आप यहाँ से कौन सी लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं अपने फेसबुक की असेसमेंट जो है वो उर्दू में चाह रहे हैं, इंग्लिश में चाह रहे हैं, तो ये तमाम पोस्ट जो है ना इस जगह से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्टोरीज़। स्टोरीज़ में आते हैं तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज़ ऑन देयर ओन स्टोरी। इसके अंदर आप अलाउ करते हैं कि आपकी जो आपने स्टोरी लगाई हुई है कि वो अपनी आपकी स्टोरी को उठा के अपनी स्टोरी बना सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर सकते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरी जो भी मैं स्टोरी लगा रही हूँ उसको आप भी जो है वो अपनी स्टोरी पर ऐड कर सकते हो। रिएक्शन प्रेफरेंस,
यहाँ से ये दो इनकी ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस का जो मतलब है वो ये है कि आप की जो पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट है या जो दूसरों की पोस्ट है उसके ऊपर जो आपके रिएक्शंस होते हैं, जो इमोजीज होती हैं, वो आपने इस जगह पे इनको जो है वो इनेबल करना है या नहीं करना, तो इनको मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन के अंदर आप तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं अपने फेसबुक, कोई आपको कमेंट कर रहा है उसका नोटिफिकेशन आए आपके पास, कोई आप चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, कोई रिव्यू कर रहा है, ठीक है, कोई आपको अलर्ट आ रहा है, इन तमाम चीज़ों के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। ये आगे मोबाइल आ गया, मोबाइल पे जाके हम यहाँ पे अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे ऐड करके अपने फेसबुक अकाउंट के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐप्स एंड वेबसाइट्स, बिजनेस इंटीग्रेशन, एड्स, ये वाला सेक्शन जो है इंशाल्लाह जब हम एड्स का काम स्टार्ट करेंगे तो ये वाला सेक्शन जो है हम इंशाल्लाह तब इसको तफसील के साथ देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, कि आपने फेसबुक को पे कैसे करना है, इसका ऐड मेथड क्या है, ऐड सेट, ऐड अकाउंट के बारे में इंशाल्लाह जो भी डिटेल्स होंगी वो हम आगे अपने जो हमारा बिजनेस अकाउंट का जो ऐड कैंपेन्स वाला सेशन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो अकाउंट है फेसबुक, आपकी जो पर्सनल आईडी है, आपका अकाउंट है, इसकी तमाम सेटिंग्स थी जिनका आज हमने रिव्यू किया। ये तमाम सेटिंग्स और ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आप ये सर्विसेज लोगों को दे सकते हैं कि जिसमें आप लोगों को ये कहें कि हम आपके अकाउंट की सेटिंग्स और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये एक तरह का स्किल है जो आपके पास आ गया। ये जो फ्री लॉन्सिंग प्लेटफॉर्म है लोग इन पे ये सर्विसेज दे रहे हैं, लोग ये भी सर्विस दे रहे हैं कि आप हमसे अपना फेसबुक अकाउंट बनवाएं, हमसे अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग और ऑप्टिमाइजेशन करवाएं। तो ये सब छोटे छोटे स्किल्स ही हैं जिनकी वजह से आजकल लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये छोटे छोटे स्किल्स मिलके एक बड़ा आपका प्लेटफॉर्म जो है आपको मैनेज करना आ जाता है। आगे इंशाल्लाह हमने इसमें एड्स रन करनी है, फेसबुक पेज किस तरह बनाना है, फेसबुक ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है आगे पढ़नी है। देखें ये छोटे छोटे स्किल्स भी लोग आगे सेल करते हैं। इन्होंने फाइबर अपवर्क जो फ्री लॉन्सिंग कर रहे हैं लोग, उन्होंने छोटी छोटी गिग्स बनाई हुई हैं जिसमें लोगों को वो ये सर्विस देते हैं कि आप हमसे अपना आके पे फेसबुक का पेज बनवाएं, हमसे आके अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करवाएं, हमसे आके अपने अकाउंट की सेटिंग्स, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करवाएं। तो ये छोटे छोटे स्किल्स हैं, ये इंशाल्लाह जब हम सीखते जाएंगे, जब हमारा पूरी ग्रिप हो जाएगी हमारी फेसबुक के ऊपर, तो फिर हम आप इसके ज़रिए जो है बाकायदा फ्री लॉन्सिंग करेंगे। और आपको पता है आजकल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का ज़माना है, हर बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह जब फेसबुक पर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह फेसबुक से लाखों रुपया महीना कमाएंगे। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।